आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बिस्मिल्लाह बाइट्स। व्यूअर्स, आज बनाने जा रही हूँ मेरी अम्मी का और मेरा फेवरेट चीनी का पराठा, जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं मगर बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। चीनी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अदद पेड़ा ले लिया है। ये मैंने पेड़ा बना लिया है। आटा मैंने पहले से गूंद लिया था। अगर आपको आटा गूंदने की रेसिपी देखनी है तो मैंने अपने चैनल पर आटा गूंदना सिखाया है, आप उसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो मैंने एक लोई ले ली है, ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी। डस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसे फैलाऊँगी और हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, मैंने इसको इतना ही बेला है। और बेलने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करूंगी। 2 टेबलस्पून चीनी डालने के बाद अब मैं क्या करूंगी कि इसको चारों तरफ से बंद करूंगी इस तरह से। दोबारा से हम इसका पेड़ा बनाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। और अब मैं इसको दोबारा से प्रेस करके बेलूँगी। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। ये देखिए मैंने पेड़ा बेल लिया है। और अब हम इस रोटी को डालते हैं तवे पर। चलें जी, तवा गरम हो चुका है और अब मैं इस पर हमारा पराठा डाल रही हूँ। चले जी, देखिए एक साइड से ये देखिए सिक गया है और अब मैंने इसको दोबारा से पलट दिया है, दूसरी साइड सिकेगी। अब हम इधर से ऑयल डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इस पे ऑयल डाल रही हूँ। हम इसको पलटेंगे। थोड़ा सा देखिए कैरामलाइज भी हो गया है, तो टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा पराठे का। साइड हो गई, अब दूसरी साइड पे कर लेते हैं। कितना आसान था ये चीनी का पराठा बनाना। आपके बच्चे जब भी ज़िद करें और कुछ ना खाने को कहें तो ये चीनी का पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।